नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम दलिया और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएंगे। ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। इसे हम अपने छोटे बेबी को खिला सकते हैं, अपने बड़े बच्चों को खिला सकते हैं और अपने बुजुर्गों को खिला सकते हैं। हम भी खा सकते हैं और ये खिचड़ी हम किसी भी पेशेंट को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छी खिचड़ी है। तो आइए दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। दलिया और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दलिया को कुकर में डालकर भूनेंगे। खिचड़ी हम कुकर में बनाएंगे, इसी में हम दलिया भून लेते हैं। इसमें हम एक छोटी चम्मच घी डाल देते हैं। घी मेल्ट हो गया है, घी में हम दलिया डालेंगे। हमने 1/3 कप दलिया लिया है, 50 ग्राम दलिया है। दलिया को हम लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर बदलने तक और अच्छी सी महक आने तक भूनेंगे। दलिया का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, अच्छी महक आ रही है, दलिया भुन चुका है। और दलिया में अब हम ये 1/3 कप हमने मूंग की दाल ली है, 50 ग्राम दाल है, मूंग की दाल हमने धो करके ले ली है, ये हम दलिया में डाल देते हैं और भूनते हुए मिक्स कर देते हैं। और अब हम पानी डालेंगे। ढाई कप पानी डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक डालेंगे या स्वादानुसार नमक डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, मिला देंगे। कुकर बंद कर देते हैं और खिचड़ी को एक सीटी आने तक पकने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, हम गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी गैस पर खिचड़ी को 3-4 मिनट पकने देंगे। खिचड़ी को हमने 4 मिनट धीमी गैस पर पका लिया है, गैस बंद कर देते हैं और अब कुकर का सारा प्रेशर खत्म होने तक हम खिचड़ी को कुकर में ही रहने देते हैं। कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है, हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन हमें खिचड़ी गाढ़ी लग रही है तो हम खिचड़ी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और उबाल आने तक पका लेते हैं। हमने 1/2 कप पानी डाल दिया है, खिचड़ी में उबाल आ गया, गैस बंद कर देते हैं और हमारी खिचड़ी हमारे बेबी के लिए तैयार हो गई है। बेबी के 6 महीने का होने के बाद हम बेबी को सॉलिड फूड खिलाना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए ये खिचड़ी बहुत अच्छी है। हमने खिचड़ी में सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है। बेबी के लिए हम और कोई मसाला नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा घी डालकर खिचड़ी में मिक्स कर देंगे। घी डालने से खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा और घी बेबी के लिए हेल्दी भी है, तो घी की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये खिचड़ी हमारे बेबी के लिए हो गई। अब ये खिचड़ी हम प्याले में निकाल लेते हैं और इसमें तड़का लगा देते हैं। तड़के के लिए पैन गरम कर लेते हैं और पैन में हम 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे, 1 या 2 चम्मच जैसा आप चाहें। खिचड़ी में आप जितना घी डालें उतना अच्छा स्वाद बन जाता है। घी गरम हो गया है, घी में हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्का सा भूनते हैं, गैस धीमी कर देंगे और अब हम हींग डालेंगे। 1 पिंच हींग है, डाल देते हैं और थोड़ा सा भुनने देते हैं। ये तड़का हम खिचड़ी के ऊपर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये खिचड़ी हमारे बुजुर्गों के लिए जिनके दांत नहीं है और किसी भी पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। अब हम खिचड़ी को अपने बड़े बच्चों के लिए या अपने लिए थोड़ा सा और स्वादिष्ट बना लेते हैं। उसके लिए हम खिचड़ी में थोड़ी सी सब्जियां क्रंची भून करके मिलाएंगे। तो हम पैन रख लेते हैं, अब हम खिचड़ी में सब्जियां डालते हैं, उसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हम पैन गरम कर लेते हैं और पैन में हम 1-2 चम्मच घी डाल देते हैं। हींग जीरा तो हमने पहले से तड़के में डाला ही हुआ है, अब हमने ये 1 छोटी सी हरी मिर्च जो बीज हटा करके काट लिए वो डाल देते हैं और ये हमने 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम अदरक कद्दूकस कर लिया है, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेते हैं और अब हम डालेंगे, हमने ये 1/2 कप हरे मटर के दाने लिए हैं वो डाल देंगे
और ये हमने चौथाई कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ले ली है, ये भी डाल देते हैं। हल्का सा भूनते हैं और अब हम इसे एक मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। मटर के दाने और शिमला मिर्च को हल्का सा नरम करेंगे। एक मिनट हो गया है, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। हमें सब्जियों को एकदम नरम नहीं करना है, हमें इन्हें थोड़ा क्रंची रखना है, हल्का सा नरम करना है। तो हम मटर को अगर दबा कर देखें, मटर दब रही है, हल्की सी नरम हो गई है। और अब हम इसमें ये एक टमाटर हमने बारीक काट लिया है, वो भी डाल देते हैं। और ये हमने एक चौथाई छोटी चम्मच नमक लिया है, वो सब्जियों में थोड़ा सा नमक डालें तभी नमक एडजस्ट हो पाएगा, तो वो हम डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। और अब हम ये खिचड़ी इन सब्जियों में डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और हमने इसमें एक हरी मिर्च काट कर डाल दी है, थोड़ा सा अदरक डाला है। अगर बच्चे बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्च और अदरक ना डालें, सिर्फ सब्जियों को थोड़ा सा नरम करें और मिला दें, बहुत अच्छी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी ये सब्जियों वाली बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं और खिचड़ी में थोड़ा सा घी डालकर हम उसकी गार्निश कर देते हैं। दलिया और मूंग की दाल की खिचड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है। और इस खिचड़ी को घर के सभी सदस्य खा सकते हैं। ये हमारे छोटे बेबी के लिए, ये हमारे बुजुर्गों के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए, और ये खिचड़ी हमारे लिए और हमारे बड़े बच्चों के लिए। और खिचड़ी के साथ में दही, पापड़, अचार, चटनी परोसिए, बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो जब भी आपका मन हो खिचड़ी खाने का, आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।